हासिल की है और वो जीत भी बड़ी है उनके लिए, बिल्कुल, क्योंकि जो मार्जिन है वो बड़ा है उनका, मार्जिन बड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि एक अमेठी पिछली बार हारने के बाद रायबरेली अपनी मां की विरासत को संभालना और रायबरेली का उन्हें सहर्ष स्वीकार करना, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो बात हुई है, इसने उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस भरा होगा वो कॉन्फिडेंस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया। रेस्पेक्टेड हेलो मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है, ये उनकी राजनैतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर
गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की, फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था, कब्जा करने की कोशिश की, फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूंगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया, आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है, हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे, हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद, और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहां जहां हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया, इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, वो आपको संबोधित करें। नहीं खड़गे जी, आपने बड़ी सही बात बोली।